हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप में से एक भाई का कमेंट आया था कि हमारा HF क्यों जल जाता है, हमको कौन सा HF लेना चाहिए जो कि बार बार ख़राब ना हो। तो देखिए दोस्तों, HF जलने के कई कारण हैं। आज के इस वीडियो में हम वो सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसके कारण आपका या तो HF जल जाता है या तो आपका नेटवर्क पेड़ जल जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सारी टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है जिसके कारण आपका HF और नेटवर्क प्लेट बार बार जल जाता है, जिसके कारण हमारे DJ वाले भाई बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। HF जलने का सबसे पहला कारण है दोस्तों, लोकल और सस्ती नेटवर्क प्लेट का इस्तेमाल करना। जो लोकल नेटवर्क प्लेट होते हैं दोस्तों, वो क्या है, सही से फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके HF तक नहीं पहुंचा पाते, यानी कि HF को जिस फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल चाहिए वो उनको प्रॉपर नहीं मिलता है, जिसके कारण आपका HF जल जाता है। देखिए दोस्तों, क्या है, बजट के चक्कर में बहुत सारे भाई, जैसे आपका नेटवर्क प्लेट 150-200 रुपए से अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, तो बहुत सारे भाई क्या करते हैं, सस्ता वाला नेटवर्क प्लेट यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको सस्ता वाला नहीं लेना, आपको थोड़ा अपने सेटअप में पैसे इन्वेस्ट करना है, जो कि आप एक बार करेंगे तो वो आपका लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, आप चाहे आहूजा का ले सकते हैं, ATI प्रो का ले सकते हैं, एक्वास्टिक का ले सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके नेटवर्क प्लेट पे आप बेसिकली ट्रस्ट कर सकते हैं। अगला कारण है दोस्तों, हर सॉन्ग के हिसाब से फ्रीक्वेंसी और साउंड को मेंटेन ना करना। बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि किसी एक सॉन्ग पे फ्रीक्वेंसी का नोब को फिक्स कर देते हैं, या फिर बेस का नोब को फिक्स कर देते हैं, या फिर मिड के नोब को फिक्स कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, देखिए हर सॉन्ग पे क्या है, बीट्स अलग अलग होते हैं, किसी सॉन्ग पे बेस ज़्यादा होता है, किसी सॉन्ग पे झनकार ज़्यादा होता है, किसी सॉन्ग पे मिड की वोकल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या है, आपको हर सॉन्ग के हिसाब से अपने जो हाई मिड लो के फ्रीक्वेंसी के जो नॉब होते हैं उन्हें क्या है, मेंटेन रखना है, और वॉल्यूम को भी मेंटेन के हिसाब मेंटेन करके चलाना है। बहुत सारे भाई जो फिक्स करते हैं, ऐसे में क्या है, कभी कभी ट्रेबल बहुत ज़्यादा रहता है किसी सॉन्ग पे, तो क्या है हाईस पे यानी HF पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, जिसके कारण आपका HF जल जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या है, फ्रीक्वेंसी और साउंड को मेंटेन करके अपने सेटअप को चलाना है। अगला कारण है दोस्तों, डुअल 15 के टॉप में या फिर सिंगल 15 के टॉप में स्पीकर और HF का सही कॉम्बिनेशन ना बनाना। बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि अगर वो 400 वाट का स्पीकर यूज करेंगे तब भी 100 वाट का HF लगा देते हैं, 500 वाट का स्पीकर यूज करेंगे तब भी 100 वाट का HF लगा देते हैं, और अगर 600 वाट का स्पीकर यूज करते हैं उसमें भी 100 वाट का ही HF लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है, अलग अलग वाटेज के स्पीकर के हिसाब से अलग अलग वाटेज के HF स्पीकर लगाए जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए अगर आप 15 इंच के 200 से लेकर 300 वाट के स्पीकर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे दोस्तों आप 60 या 40 वाट के सिंगल HF लगा सकते हैं, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप 300 वाट से लेकर 400 वाट के 15 इंच के स्पीकर अगर यूज करते हैं एक टॉप में, डुअल स्पीकर वाले टॉप में, तो वहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम लगभग 80 वाट का HF चाहिए। और जब दोस्तों अगर आप 400 वाट से अगर 600 वाट के बीच में जा रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास दो कंडीशन आ जाते हैं। अगर आप 500 वाट के स्पीकर लगाते हैं तो यहाँ पे आपको कम से कम 110 वाट का HF लगाना चाहिए, या फिर 100 वाट का। और अगर दोस्तों अगर आप 600 वाट में जा रहे हैं, तो यहाँ पे कम से कम आपको 110 वाट के ऊपर ही चलना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप स्पीकर के हिसाब से सही कॉम्बिनेशन का HF लगाएंगे, तो जब क्या है, आप अपने सेटअप को लाएंगे तो आपको जो हाई फ्रीक्वेंसी है और जो मिड लो फ्रीक्वेंसी है, ये तीनों मेंटेन मिलेगी। और अगर दोस्तों जैसे आपने स्पीकर ज़्यादा वाटेज का लगा दिया और HF कम वाटेज के लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपको मिड और बेस ज़्यादा बजेगा, आपको HF की कमी महसूस होगी, जिसके कारण आप क्या है, HF की फ्रीक्वेंसी को मिक्सर से बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो क्या होगा कि आपका HF कम वाटेज होने के कारण जल जाएगा, ओवर प्रेशर पड़ जाएगा। तो दोस्तों, आप स्पीकर के हिसाब से HF का सही कॉम्बिनेशन ज़रूर बनाएं। दोस्तों, अगला कारण है HF और नेटवर्क प्लेट मिसमैच चलाना। यानी कि देखिए दोस्तों, बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि 450 जो सबसे ज़्यादा चलने वाला नेटवर्क प्लेट है, उसमें क्या करते हैं, 110 वाट का HF घुसेड़ देते हैं, 150 वाट का HF घुसेड़ देते हैं, तो ऐसे में क्या है, उनका बार बार नेटवर्क प्लेट चला जाता है। या फिर दोस्तों, बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि उनका 60 या फिर 80 वाट का नेटवर्क प्लेट है, उसमें वो लोग 750 नेटवर्क प्लेट लगा देते हैं, तो ऐसे
ऐसे में क्या है, आपका नेटवर्क प्लेट जल्दी नहीं जलेगा, आपका एचएफ जल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप सही एचएफ के लिए सही नेटवर्क प्लेट का इस्तेमाल करें। इसमें क्या है, आपके जो ट्यूटर से जो आपके एचएफ से आवाज़ आएगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा आवाज़ आएगा, और आपका जो एचएफ है वो भी लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, आपका नेटवर्क प्लेट भी अच्छा चलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप गलत कॉम्बिनेशन चलाते हैं तो या तो आपका एचएफ जलेगा या तो आपका नेटवर्क प्लेट जलेगा, आप इसी से बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ये अपने सेटअप पे एक बार अप्लाई करके देख लेना है। अगला कारण है दोस्तों, सिंगल एचएफ और सिंगल स्पीकर वाले नेटवर्क प्लेट में एचएफ तो आपने सिंगल ही लगाया, बाकी वहाँ पे सिंगल स्पीकर वाले जगह पे आप दो स्पीकर लगा देते हैं। तो ऐसे में क्या है दोस्तों, जब आप अपने सेटअप को चलाते हैं तो आपको हाई फ्रिक्वेंसी अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको जो मिड और मिड बेस जो मिलेगा वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो आप मिड बेस जब आपको कम मिलेगा तो इसके चक्कर में आप जैसे ही आप वैल्यूम बढ़ाओगे कि हमको आवाज़ अच्छा नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या है, आपका एचएफ जो है वो ज़्यादा तेज़ चलने लग जाएगा और आपको वो तो आ ही जाएगा। आप जितना वैल्यूम बढ़ाएंगे उस हिसाब से आपका स्पीकर मेंटेन हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपका एचएफ ज़्यादा तेज़ चलने लग जाएगा जिसके कारण आपका एचएफ जल जाएगा। तो दोस्तों, आप अगर सिंगल स्पीकर और सिंगल एचएफ वाले नेटवर्क प्लेट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सिंगल स्पीकर और सिंगल एचएफ ही लगाएं, और अगर आप थ्री वे यूज़ करते हैं तो आप उसमें दो स्पीकर और एक एचएफ इजीली लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों छोटी छोटी बातें आपको अपने सेटअप पे जरूर ध्यान रखना है। अगला कारण है दोस्तों, कम वाटेज के एचएफ को ओवर प्रेशर चलाना। देखिए, बहुत सारे भाई क्या करते हैं, 60 या फिर 80 वाट का एचएफ यूज़ करते हैं, और उनको क्या है, जब अपना सेटअप को चलाते हैं तो वहाँ पे एचएफ का कमी महसूस होने लग जाते हैं, यानी हाई फ्रिक्वेंसी उनको कम मिलता है। तो वहाँ पे वो लोग क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और वैल्यूम भी बढ़ाते हैं ताकि उनको हाई फ्रिक्वेंसी अच्छा मिले। अब देखिए दोस्तों, 80 वाट एचएफ का जितना कैपेसिटी है वो उतना ही बजेगा, वो आपको 80 वाट का एचएफ 150 वाट के एचएफ के बराबर तो फ्रीक्वेंसी देगा नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आपको एचएफ की कमी महसूस हो, हाई फ्रीक्वेंसी का कम लगे, तो आप वहाँ पे एचएफ बढ़ा सकते हैं, ना कि आप एक ही एचएफ को ओवर प्रेशर चलाएं। इससे क्या है, ओवर प्रेशर चलाने से आपका फ़ायदा कुछ नहीं है, सिर्फ नुकसान ही है, बजेगा 5-10 मिनट बजेगा, इसके कारण आपका एचएफ जल जाएगा। तो दोस्तों, वहाँ पे क्या है, आप एक्स्ट्रा एचएफ लगा सकते हैं अगर आपको हाइस की कमी लगे। तो दोस्तों, आपको एचएफ ओवर प्रेशर नहीं चलाना है, क्योंकि अगर आप ओवर प्रेशर चलाते हैं तो आपका एचएफ जल जाता है। अगला कारण है दोस्तों, ओम्स मिस मैच करके एचएफ को चलाना। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, मान लीजिए 100 वाट के 6 एचएफ चला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, वो लोग 600 वाट या फिर 500 वाट के बूस्टर एम्पलीफायर ले लेते हैं। सही है, चलाना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, वो वाटेज के हिसाब से भले ही आपका बराबर लोड है, लेकिन दोस्तों ओम्स के हिसाब से वो ओवरलोड हो जाता है, जिसके कारण ऐसा नहीं है कि आपका एचएफ चलेगा नहीं, चलेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप लॉन्ग टाइम यूज करते हैं तो आपका एचएफ या फिर नेटवर्क प्लेट इसी कंडीशन पे जल जाता है, या फिर आपका एम्पलीफायर ही जल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको चाहे आप स्पीकर चलाइए, एचएफ चलाइए या फिर बेस स्पीकर चलाइए, आपको किसी भी सेटअप पे ओम्स मिस मैच चलाना नहीं है। दोस्तों, ये भी एक कारण है आपके एचएफ जलने का। अगला कारण है दोस्तों, एचएफ चलाने के लिए नेटवर्क प्लेट का इस्तेमाल ना करना। आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं दोस्तों, जो एचएफ को चलाने के लिए नेटवर्क प्लेट ना लगा के उसमें कंडेंसर या फिर कई अन्य और चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको नेटवर्क प्लेट ना लगाना पड़े, मतलब वो 200-400 क्या है इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपको देखिए, जो फ्रीक्वेंसी नेटवर्क प्लेट बराबर सिग्नल एचएफ को भेजता है, वो आपका कंडेंसर वो काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण आपका एचएफ जल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप नेटवर्क प्लेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने एचएफ सेटअप में, तो यहाँ पे क्या है, आप एचएफ के लिए नेटवर्क प्लेट ज़रूर इस्तेमाल करें। भले आप स्पीकर के लिए ना यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एचएफ के लिए ज़रूर इस्तेमाल करिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।